राधा रमण बाधा हरण कुंद निकुंजेश्वर श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति छवि वांगमयी शब्द विग्रह श्रीमद भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों श्रीमद भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ महासत्र के आज सप्तम और विश्राम दिवसीय बेला को प्रारंभ करते हैं। आइए बड़े प्यार भाव और श्रद्धा के साथ मन और वाणी को एकाग्र करने हेतु कुछ क्षणों तक भगवान नाम का शैले। अब तो इन शक्ति दिवसों में हम सब अपने अपने इष्ट के समझता हूँ काफी समीप पहुंच गए हैं। अब हमें लगता है इस अवस्था में पहुंच गए हैं हम कि प्रहलाद ने जैसे आर्तनाद किया नृसिंह प्रकट हुए, ध्रुव ने आर्तनाद किया श्रीमन नारायण प्रकट हुए। अगर ऐसे ही हम हृदय से आर्तनाद करें तो हमारे जीवन के समस्त कलमस नष्ट हो जाए और हमारे इष्ट प्रकट हो जाए। मुझे लगता है हम ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं। आइए आइए बड़े भाव प्यार और श्रद्धा के साथ आज विश्राम दिवसीय सत्र में श्री ठाकुर को रजा लें। न जाने ये शुभ अवसर पुनश्च कब आवे। जीवन में सब कुछ पुनश्च हो सकता है, लेकिन ये जो जीवन व्यतीत हो रहा है अभी, ये जो आनंद आ रहा है ये क्षण शायद न जाने कब आवे। अभी आप इन क्षणों को बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब यह समय व्यतीत हो जाएगा आने वाले समयों में जब आप इन क्षणों को स्मरण करेंगे तो मैं सत्विक आज जाते ही जाते आपको बता दे रहा हूँ जो क्षण ये शब्द विश्व में आपके व्यतीत हुए हैं आगे जब आप याद करेंगे आपको एहसास होगा आपके जीवन के सबसे सुखद और अद्भुत यही सत्य दिवस रहे। मैं ऐसा आपको बता दे रहा हूँ। आनंद की वृष्टि हो रही है। अंतिम घड़ी विश्राम के समय एक बार पुनः अपने इष्ट को रजाएं बड़े प्यार भाव और श्रद्धा के साथ में। अब तो आजा सांवरिया रे। देखो हृदय से बोलना, वाणी से नहीं हृदय बोलना चाहिए आज आपका। अब तो आजा सांवरिया रे, अब तो आजा सांवरिया रे, अब तो आजा सांवरिया। Yeah.
जीवन के साम आए, जीवन की साम आए, पर श्याम नहीं आए, बैठा छुपोगे, बताओ कि पर्दे में कब तक छुपोगे, बताओ कि पर्दे में कब तक छुपोगे, बताओ कि पर्दे में कब तक छुपोगे, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, 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 आएगा एक दिन ऐसा जमाना, हम रूठेंगे तुमको बता, इसलिए अब तो आजा सारे यारे, अब तो आजा सारे यारे, तो आजा सावरिया रे,
स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में ओम शरण वंदन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे समस्त आचार्य एवं वैदिक ब्राह्मण वृंद शारदा के व्रत पुत्र समस्त संगीतज्ञ वृंद दौर दौर से पधारे हुए श्रीमद्भागवत कथा रस के रसिक श्रोता वृंद एवं सीता अनसुईया मदालसा के चरित्रों का अनुगमन करने वाले हमारी माताएं एवं बहनें और इस देश के भावी कर्णधार प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों सबसे अंत में जिनके पुरुषार्थ श्रम परिश्रम तपश्चर्या के फल से यह दिव्य और भव्य ज्ञान यज्ञ आयोजित हो सका है श्रीमद् भागवत कथा श्री वैष्णवी प्रेरणा फाउंडेशन के हमारे समस्त अधिकारी पदाधिकारी वृंद हमारे विशाल बाबू राम सुंदर बाबू हमारे विवेक जी सुमन जी सुंदरमन जी राकेश जी हमारे मनचंद बाबू हर समय उसको लड्डू गोपाल लगते हैं हमारे मनचंद बाबू मुस्कुराते ही रहते हैं हमारे मनोज बाबू ललाट लगता है किसी विराट महापुरुष का ललाट हो ललाट हमारे मनोज बाबू का देखने लायक है क्या ललाट ऐसा हमारे उपाध्यक्ष भगवान आप सबों के हृदय में विराजमान दास के परमाराध्य श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों में कोट से नमन वंदन करते हुए आज इस विश्राम दिवसीय सत्र को प्रारंभ करते हैं प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। देखो आपके भ्रम को मैं मिटा दूं आज अंतिम दिवसीय सत्र को हम प्रारंभ नहीं कर रहे आज अंतिम दिवसीय सत्र को प्रारंभ नहीं कर रहे आज हम विश्राम दिवसीय सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। जगत के जितने कार्य होते हैं ध्यान दीजिएगा सबका अंत होता है। शाश्वत मेरा गोविंद है प्रकृति नश्वर है। जगत के कार्य समस्त नश्वर हैं और इसलिए जगत के समस्त कार्यों का अंत होता है लेकिन भगवत कार्यों का कभी भी अंत नहीं होता। भगवत कार्यों का विश्राम होता है। आज भी दारोपण हुआ न जाने कब ये दिव्य विशाल वृक्ष बने और ऐतिहासिक पुनः प्रारूप धारण कर ले। इसलिए आज विश्राम दिवसीय यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। भागवती गाथा को श्रवण कराने से पहले ही भागवत की महिमा में कहा नहीं हाँ भागवत श्रवण करके किसी ने कह दिया बहुत श्रवण कर ली। शब्द शास्त्रों को श्रवण करके कह दिया बहुत सुन लिया तो सब जो उसने सुना ही नहीं क्योंकि जिसने एक बार सुन लिया ना उस आश्वादन का उस मकरंद का पालन किया मीरा भाई ने कर्मा भाई ने श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री स्वामी हरदास महाराज ने श्री हरिमहेश्वर महाप्रभु ने उसका आस्वादन किया और जिसने आस्वादन किया ना फिर तो महाराज पूछो ही नहीं डूब ही गया क्योंकि मोहर मोह और शिकाह भूमि भाग का बोले कितनी बार पी बोले मुहर मुहू बार 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 जब तक जीवन है तब तक पीते रहो। कैसे बोले रसिक और भावुक बन के कथा श्रवण करते करते डूब जाओ अपने शरीर का होश न रहे कीर्तन में नृत्य करें एक ताली बजाएं मुख से उच्चारण करें और जब दिव्य कथा हो भावुक बन जाएं नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगे। एक भक्त कलयुगी उसने पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना की अभ्यर्थना की श्रीमन नारायण प्रकट हुए वरम ब्रूही वरदान मांगो बोले महाराज आप हमारे निवास पर हमारे घर पर निवास करो हमारे घर पर निवास करो
भगवान ने कहा भैया मैं सिंधु में रहता हूँ, तेरे घर में कैसे रहूं। भक्त ने कहा महाराज हमारे यहाँ सिंधु नहीं है तो क्या मेरा तप बर्बाद गया। बोले नहीं नहीं अभ्यास है सिंधु में रहने का। बोले सिंधु नहीं हमारे यहाँ समुद्र नहीं, आप कहो तो आपके लिए एक सुंदर सा स्विमिंग पूल बनवा दें, आप उसमें विराजो। भगवान ने कहा मैं समुद्र के कूल में रहता हूँ, स्विमिंग पूल में नहीं रह सकता। भक्त ने कहा आप कहो तो एक सेंटेक्स की टंकी लगवा दें, उसमें पधारो। भगवान नसे भैया मैं इसमें नहीं रह सकता, मैं तो जा रहा हूँ। महाराज तो मेरा जब तब करना व्यर्थ गया, आप जा रहे हो। भक्तों के नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। भगवान ठहर गए, बोले भैया अब रह सकता हूँ। बोले कैसे? बोले मेरे लिए सिंधु छोटा पड़ सकता है लेकिन तुम्हारे नेत्रों से निकला हुआ बिंदु इतना विराट है कि मेरे जैसे अगर सौ ब्रह्म भी प्रकट हो जाए तो वो इस बिंदु में समाहित हो सकते हैं। सिंधु छोटा है लेकिन तुम्हारे नेत्रों से निकला हुआ बिंदु बहुत विशाल और विराट है। तो बड़ी पावन कथा चल रही है भगवान श्री कृष्ण की। देखो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कथा श्रवण करें तब तो ये लाभप्रद है ही। आध्यात्मिक दृष्टि से कथा श्रवण करो तो क्योंकि कथा जीवन के व्यथा को मिटाती है। महाराज मन बहुत अशांत हो गया हो, अब अंधकार ही अंधकार सर्वत्र दिखाई दे रहा हो, सत्य कहता हूँ किसी संत का संग कर लेना, 5 मिनट बैठना, उनके मुख से 5 मिनट निकली हुई बातें आपके जीवन में आई अज्ञान अंधकार को तत्काल नष्ट कर देगी, आपका जीवन प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। महाराज भगवान कृष्ण की गाथा, भगवान राम की गाथा अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से श्रवण करते हैं तब तो सोने में सुहागा। कदाचित सुन लो मेरी बात, अगर आपकी आस्था नहीं है, कदाचित आप कृष्ण को ब्रह्म की दृष्टि से बहुत लोग हैं नहीं देखते हैं, ना देखो तो भी यदि श्रवण करो तो भी जीवन कृतकृत्य होगा। क्यों? मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें तो कृष्ण का जीवन कितना सुखमय, कितना दिव्य। कारागार में जन्म हुआ, अंधकार में जन्म हुआ, बेजर की रोटी खाते थे, वन वन गाय चराते थे और अंत तो गत्वा द्वारिका के राजा बन गए। कैसे बने ये देखने योग्य है। कृष्ण के जीवन से, भगवान परमात्मा के जीवन से यदि कुछ सीखना है तो सीखें। जीवन में कब कैसे क्या कर्तव्य किए जाए, कब शक्ति का प्रयोग किया जाए, कब युक्ति का, कब नीति का, तीनों में अन्योन्यास संबंध है। शक्ति युक्ति और नीति में अगर तीनों को समय समय पर बराबर प्रयोग किया जाता रहा तो हमारा जीवन भी दिव्य राम और भगवान श्री कृष्ण के समान हो सकता है। सारे समस्तीपुर वासियों के अंदर मस्ती छा गई, कर रहा वृद्ध भी कमर मटका रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। भगवान का विवाह हुआ है रुक्मणी के साथ में, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रुक्मणी जी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे प्रथम पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृष्ट ज्वल प्रकाश, इतिशः प्रद्युम्न, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से जगत को प्रकाशित करे वो प्रद्युम्न है। देखो जिनकी जो जितनी ऊंचाइयों को छूते हैं, जिन्होंने जितनी सफलता अधिक प्राप्त की है, उनके शत्रुओं की संख्या भी उतनी ही अधिक बढ़ जाया करती है। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से। अरे कल नहीं मिलूंगा मैं, ढूंढोगे टॉर्च जला के तो भी, एक बार जोर से बोल लो ना भैया। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण
मानवीय दृष्टिकोण से सफलता की चरम सीमा पर है। पुत्र हुआ प्रद्युम्न, एक असुर है जिसका नाम है संबर असुर। महाराज रात्रि के समय में आया विमान से और सोते हुए प्रद्युम्न को उठा करके ले गया। अनंताकाश से जा रहा था, समुद्र के मध्य में बालक को घेर दिया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसके रक्षक स्वयं ठाकुर हो साहब, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जिसने अनंतता से उनकी शरण ग्रहण कर ली उसके जीवन में संकट हो ही नहीं सकता। जो कहता है कि महाराज मैंने उनकी शरणागति को स्वीकार कर ली लेकिन फिर भी जीवन में बहुत कष्ट है, तो मुझे संदेह है उनके शरणागति पर, क्योंकि मुझे भगवान की वाणी पर संदेह नहीं, आपकी शरणागति पर संदेह हो सकती है। भगवान ने कहा है अनन्यासितयन्तो माम ये जराह परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाव्यहम्। भगवान अशत्रु नहीं बोलेंगे। हम भक्त हैं कैसे पता चलेगा। भगवान ने श्रीमद् भगवद् गीता के द्वादशवें अध्याय में बताया भक्त कौन है। बोले यशमानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर सामर समय पे गई मुक्ते यह सत भक्ते यह सचने प्रिय। भक्त कौन है। बोले यस्मान नो द्विजते लोको, जिसका इस लोक में किसी से देश नहीं है, जो जिससे लोक में कोई दोष जिससे लोक में कोई द्वेष नहीं करते। हर्ष अमर्ष वयत में गए, हर्ष अमर्ष क्रोध दुख और सुख से जो ऊपर उठ चुके हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। संबरासुर उठा करके ले गया, समुद्र में घेर दिया बालक को। एक मछली निकल गई, मछुआरों ने धोखे से उस मछली को पकड़ा और संयोग देखिए उस मछली को महाराज संबरासुर के ही रसोई में बेच दे, उनके रसोई में बेच दिया। महाराज रसोई बनाती है, नाम है महाराज। माया दीपिका से रसोई बनाती है, जैसी मछली के उदर को फाड़ा है उसमें से बालक का पदार्पण हुआ। बालक निकला, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, अब तक पुत्र नहीं था, इस बालक को पुत्र के रूप में स्वीकार करके सेवा करने लगे। श्रीमान नारद जी महाराज का सुभागमन हुआ, देवी ये तुम्हारे पुत्र नहीं ये तुम्हारे पतिदेव हैं, ये आपके पतिदेव हैं, क्यों तुम इनकी पत्नी हो, जिनकी सेवा तुम पुत्र रूप में कर रही हो, ये साक्षात कामदेव हैं, तुम इतनी पत्नी रहती हो। पूर्व में जब इन्होंने भगवान शंकर से युद्ध किया था, जब शिव तीसर नयन उघारा, भगवान भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला था उस समय जल करके तुम्हारे पति भस्म हो गए। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, कृष्ण के पुत्र बन करके आओगे, कल्याण होगा, ये कृष्ण के पुत्र बन करके आए हैं, तुम इनकी पत्नी हो। माया मायावती थी, अपने माया के बल से जादू से प्रद्युम्न को बड़ा कर दिया, पत्नियों जैसे हाव भाव करने लगी। क्या कर रहे हैं, कर रही हैं माँ आप। बोले आप मेरे पतिदेव हैं, सारी वृत्तांत को बताई है। महाराज युद्ध हुआ है, प्रद्युम्न ने संबरासुर का उद्धार कर दिया है और वापस द्वारिका आए हैं।